दोस्तों आज आपको हम बताने वाले हैं कि वन कार्ड आपको अनसिक्योर कार्ड कब देता है, एफडी कार्ड पहले देता है या अनसिक्योर कार्ड देता है। चलिए आज हम आपको इस वीडियो में सब कुछ डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर देना। अगर आप चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। दोस्तों मैं आज के टाइम की बात कर रहा हूं 2023 का, कि अगर आज के टाइम में अगर आप वन कार्ड से अगर आप अनसिक्योर कार्ड लेना चाहते हो तो आपको मात्र 5% चांस है कि आपको मिल जाए, 95% चांस है कि आपको एफडी कार्ड ही मिलेगा। क्योंकि वन कार्ड जो है अनसिक्योर कार्ड बहुत कम लोगों को दे रहा है, अगर आपको मिल गया तो लिमिट तो बहुत कम देंगे। क्यों ऐसा हो रहा है कि यहां पे दोस्तों रियलिटी में आपको बताने वाला हूं, जो वन कार्ड है इन्होंने काफी हद तक अनसिक्योर कार्ड को सेल कर चुके हैं बहुत ज्यादा। और आपको बता दूं कि इनके संग बीओबी बैंक, फेडरल बैंक और इसके बाद एक साउथ इंडियन बैंक है और काफी सारे बैंक, एसबीएम बैंक, काफी सारे बैंक इनके संग जुड़ चुके हैं। और तो यहां पे पहले तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक था जो कि सबको इसके साथ जो लिमिट मिला हाई लिमिट वो मिला अनसिक्योर कार्ड में। बट यहां पे जो अनसिक्योर कार्ड है अब इसे एकदम कम कर दिया गया है। अब बैंक कर क्या रहा है कि लोगों को जोड़ रहा है एफडी की तरफ, और इसके बाद जो है जो लोग को पहले से अनसिक्योर मिल चुका था, अब जैसे कि मान लो एक उदाहरण 100 लोगों को अनसिक्योर कार्ड मिल गया तो बैंक अभी सोचता है कि हमारा 100 लोग का 100 से ऊपर हमारा एफडी वाला हमारा कार्ड हो जाए। अब इससे होगा क्या कि अब जो बैंक ने पैसे डिवाइड किए हैं अनसिक्योर कार्ड में, वही पैसे एफडी के रूप में जो पैसे उनके तक पहुंचेंगे, अब वो पैसे से अपने सिस्टम को और आगे जनरेट करेंगे। तो मिला जुला के जो अनसिक्योर कार्ड मिल रहा था लोगों को वन कार्ड का, अब बहुत कम हो गया है। यहां पर एक ही रीजन है कि इतने सारे कार्ड सेल होने के बाद जो है बैंक एफडी वाले कार्ड सिस्टम लागू कर दिया। अगर आप लॉगिन करोगे आपका सिविल स्कोर कितना भी हाई क्यों ना हो, बहुत कम चांस में आपको अनसिक्योर कार्ड देखने को मिलेगा। और जो एफडी कार्ड है, चाहे आपका सिविल खराब हो चुका हो, बर्बाद हो चुका हो, उससे मतलब नहीं है, एफडी कार्ड आपको आसानी से मिल जाएगा। और एफडी कार्ड से एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, मैं वन कार्ड को दिल से धन्यवाद बोलता हूं, जो कि इनका ऐसा सिस्टम मैं पहली बार देखा और अदर बैंक और कंपनी का मैं नहीं दे पाया। क्यों? एफडी आप करवा लिए, बस खाली आप मोबाइल का रिचार्ज करो, बिल पेमेंट करो, छोटा मोटा ट्रांजेक्शन कर लो एफडी वाले कार्ड से, सभी को इतना अच्छा है, लोग इंप्रूव कर दे रहे हैं, इतने अच्छे से रिपोर्ट कर रहे हैं कि आपके सिविल काफी रैंकिंग बढ़ जा रही है। तो यहां पे अगर आप सोच रहे हो कि मैं अनसिक्योर कार्ड ले लूं, अगर आप अनसिक्योर कार्ड के चक्कर में बैठे हैं तो अनसिक्योर कार्ड न लेकर आप एफडी वाला कार्ड ले लीजिएगा। ज्यादा नहीं 5,000 रुपए का एफडी कर लीजिए। अगर आपको अगर आपके ऐप में 2,000 का अगर ऑप्शन आ रहा है तो 2,000 का करवा लीजिएगा। यकीन मानो ओनली बिल पेमेंट रिचार्ज के थ्रू आपका सिविल जो है फास्ट इंक्रीज होगा और आसानी से आपको एफडी वाला कार्ड मिल जाएगा। अब सॉरी एफडी वाला कार्ड तो मिल ही चुका है, आपने ले लिया है, अनसिक्योर कार्ड मिल जाएगा। बट यहां पे आप लोगों को अगर आज के टाइम की मैं बात करूं तो अगर आप एफडी करवा लेते हैं तो एफडी के थ्रू आपको अनसिक्योर कार्ड मिलने का चांस रह सकता है। बट मैं आपको गारंटी नहीं दूंगा कि आपको मिल ही जाएगा, बट मिल सकता है। तो यहां फ्रेंड मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास अदर बैंक के अनसिक्योर कार्ड है तो आप वन कार्ड का एफडी कार्ड जरूर लें। मैं तो कहता हूं कि हर लोगों के पास ये 2,000 या 5,000 रुपए की एफडी इस वन कार्ड में होना ही होना चाहिए। पहले मैं मना करता था बट मैंने काफी लोगों का रिपोर्ट देखा, इतना बढ़िया है, लोग रिपोर्ट करते हैं सबल में टाइम टू टाइम, किसी टाइप का लैग नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं बता रहा हूं कि मैं एक ऐसे बैंक का नाम बता रहा हूं जिसका नाम है HDFC बैंक, अपने आप में नंबर वन बैंक है। बट इनके रिपोर्ट की बात करूं तो एक भाई को 1,00,000 रुपए का लिमिट दे दिया और सिविल में रिपोर्ट कितने की दिखाया, मात्र 20,000 से 25,000 रुपए का। तो भैया ये तो गलत है ना, आपने जो अमाउंट दिया है उसे दिखाइए। तो ये बोलते हैं भैया हमारा सिक्योरिटी रीजन है, हम अपने ब्यौरा को शेयर नहीं करते हैं। तो ये चीजें गलत है। बट एक भाई ने RBI को रिपोर्ट किया कि ये अपडेट नहीं करते हैं, ऐसे बैंक ने एक्शन लिया और इस चीज को सुधार किया। तो यहां पे बैंक आपके सिविल ब्यूरो में, आपके सिस्टम में अगर कोई भी ऐसा रॉन्ग इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकता है। बट जो वन कार्ड का एफडी कार्ड है काफी बढ़िया है,
तो यकीन मानो आज के टाइम में यार अनसिक्योर कार्ड का उम्मीद छोड़ ही दो, आप एफडी पे जाओ और ले लो, बढ़िया लगेगा आपको। मैं एक ही सलाह दूंगा, बाद में आपको जरूरत पड़ेगा क्लोज करवा के आप पैसा ले सकते हो। थोड़ा सा वन कार्ड का जो कस्टमर सपोर्ट सिस्टम है थोड़ा से लो है, ईमेल के थ्रू अपडेटिंग मिल जाता है, जो एक टोल फ्री नंबर है उस पर पूरी तरीके से लोगों का हेल्प हो जाता है, कुछ लोग का नहीं पता, शिकायत भी करते हैं। तो आप बताना क्या आप एफडी कार्ड में जाना चाहोगे, क्या मैंने जो बताया क्या फास्ट आपका सिविल इंक्रीज करता है वन कार्ड, आपने कमेंट में जरूर देना। तो फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।